हेलो व्यूवर्स, डेटा साइंस के इस कोर्स में पांडास के अंदर हम डेटा फ्रेम्स को डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को टुगेदर कर रहे हैं। जब हमारे पास मल्टीपल जगह से डेटा आता है, डिफरेंट डेटा सेट्स आते हैं, तो हम उसको मर्ज कैसे कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उनको हम देखेंगे कि इसमें डेटा किस तरीके से मर्ज हो रहा है। अब मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक पे एक DF1 के नाम से डेटा फ्रेम बना लिया। उस डेटा फ्रेम के अंदर की और डेटा वन के नाम से दो कीज रख ली, और फिर इसके अंदर क्या किया, इसकी रेंज दे दी। पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन होता है, जो रेंज क्या करता है हमारे पास, वो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जनरेट करके दे देता है, 0 से लेकर यानी कि 6 तक। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी 7 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक और डेटा फ्रेम बनाया जिसको नाम दे दिया DF2 का। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ और प्रिंट करवा देता हूँ। मेरे पास प्रिंट करा दो DF1 को, और यहाँ नीचे प्रिंट करवा दो मेरे पास DF2 को। तो ये हमारे दो डेटा फ्रेम्स हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ स्टार्स से, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम्स डायरेक्टली हम देख लेते हैं अपने डेटा फ्रेम्स। यहाँ हमारे पास जो हमारे डेटा फ्रेम्स हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर लेना था मुझे इसको, यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिया, इस वजह से इस तरह से प्रिंट कर रहा है। अब डेटा फ्रेम 2 तो दिखा रहा है, वो 1 नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ डिस्प्ले को यूज़ करूँ, डिस्प्ले डिस्प्ले कर दो मेरे पास DF1 को, तो इसने DF1 और 2 दोनों को डिस्प्ले करवा दिया। यानी कि हमारे पास जो आउटपुट, यानी कि जो डेटा फ्रेम 1 में वैल्यूज़ थी, उसकी कीज़ हमने ले ली कुछ इस तरह से, और वैल्यूज़ उनकी इस तरह से स्टोर करवा दी इसके अंदर। अगर हम यही चीज़ मर्ज करवा दें, तो हम मर्ज में क्या करेंगे, ये दो डेटा फ्रेम्स को एक साथ दिखाने के लिए हम DF1 DF2 करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये डेटा सेट मर्ज होके आ जाएंगे। यानी कि डेटा फ्रेम 1 और 2, जो डेटा 1 और 2 था हमारे पास, वो मर्ज होकर आ गया। अगर हम यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कर दें ऊपर और ये कोड यहाँ रन करवाएं, तो हमारे पास आसानी हो जाएगी, हमें ये डेटा फ्रेम्स भी दिखेंगे। अब हमारे पास जो दो डेटा फ्रेम्स थे उनको मर्ज करके दिखा दिया इसने, पर यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो मिसिंग है हमारे पास। सी जो 3 इंडेक्स पे थी वो मिसिंग है, तो मैं यहाँ कॉमा लगाकर हाउ करके, हाउ के कीवर्ड से आउटर कर दूंगा, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा दिखा देगा, क्योंकि हमारे पास एक सी ही नहीं, डी भी मिसिंग था। तो इस डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसने ये सारी की सारी हमें मर्ज करके दिखा दी DF1 और DF2 के नाम से। इसी तरह हमारे पास DF3 के नाम से एक डेटा फ्रेम है, उसमें एल की DF1 और राइट की DF2 के नाम से हमने इसको बनाया हुआ है। अगर हम इनको मर्ज करवाना चाहें, तो हम कुछ इस तरह से इस डेटा फ्रेम को मर्ज करवा सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मर्ज होके इस तरह से आ जाएंगी। यानी कि लेफ्ट ऑन को हमने ये कीज दे दी और राइट को हमने ये कीज दे दी। पहले वाले डेटा फ्रेम में हमारे पास सिंगल की थी, यहाँ पर हमारे पास एल की और आर की के नाम से आ रही हैं वैल्यूज़। तो हमने इनको कॉलम नेम्स दे दिए, और यहाँ पर हमारे पास DF1 और DF2 अलग-अलग आ गया।
अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट और राइट डेटा फ्रेम के नाम से हमने दो जो है वो डेटा फ्रेम्स बना लिए, जिसमें कीज हमारे पास थी, जिसके अंदर हमने जो है वो कीज रखी और हमने इसके अंदर की जो वैल्यूज थी यानी कि 0 से लेकर 6 तक उसको ये रख दिया और इंडेक्स हमने ग्रुप वैल्यू के इंडेक्स दे दिए a, b, दो वैल्यूज डाली हमने ग्रुप वैल्यू में और इसको दे दिया हमने a, b। यहाँ हम दोनों डेटा सेट को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ डिस्प्ले लेफ्ट और डिस्प्ले करा दो मेरे पास। डिस्प्ले एक कीवर्ड है जिसके अंदर जो है वो हम जो है वो कीवर्ड लगाएंगे और कीवर्ड के थ्रू हम जो है वो इस डेटा सेट को या डेटा फ्रेम को हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ राइट करूँ तो ये लेफ्ट और राइट यानी कि लेफ्ट में मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि यहाँ पर की और वैल्यू दो चीज़ें हैं जैसे कि मैंने दी हुई हैं, पर इस वाली जो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वैल्यू आ रही है। अगर हम चाहें तो इन दोनों ग्रुप वैल्यूज को मर्ज भी कर सकते हैं, लेफ्ट ऑन करके की लिख देंगे और राइट जो है वो इंडेक्स को ट्रू करवा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू 3.5 थी यानी कि ए इंडेक्स के थ्रू जितनी भी फिर 3.5 आ रही थी वैल्यूज उन सबको उसने ग्रुप वैल्यू को 3.5 कर दिया और बाकी सब को उसने 7 कर दिया। अगर हम चाहें इसको आउटर करके यानी कि हम इसकी सारी वैल्यूज को देखना चाह रहे हैं तो हम इसको कॉमा हाउ इज इक्वल्स टू आउटर करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी यानी कि सी हमारे पास जो डेटा मिसिंग था वो भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसके अंदर जब हमने देख लिया कि ये डेटा मिसिंग था और ये आ गया, ये हाउ आउटर क्या है, आउटर की जगह हम इसकी जगह हम इसको इनर भी कह सकते हैं, अगर हम चाहें तो इनर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इनर इस तरह से आ गया, तो इनर और आउटर ये ऑलरेडी इनर ही है, ये हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये इनर ही है, यानी कि लेफ्ट के लेफ्ट वाला जो हमारे पास था डेटा सेट उसको टैली करता हुआ आ रहा है। जब हम इसको आउटर करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यूज को देखेगा, लेफ्ट और राइट दोनों के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम जो है वो RBMS यानी के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप देखेंगे उसके अंदर जॉइंस हमारे पास होते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है, जॉइंस की तरह ही हमारे पास काम करता है और हमारे डेटा फ्रेम को ला कर दिखाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।